हाँ मुझे पता है एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे आर नॉट द मोस्ट फेवरेट, लेकिन एग्जाम्स का मतलब है स्टेशनरी. हेलो एवरीवन, आज हम एक एग्जाम रिलेटेड ओनली क्यूट यूनिक स्टेशनरी हॉल करने वाले हैं. मेरी भी एग्जाम आ रही है, थोड़ी अप्रैल से शुरू हो रही है, प्रोबेबली द लास्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ. तो इसलिए आई वेंट ऑल आउट टू माई लोकल स्टेशनरी स्टोर. मैंने एकदम अफोर्डेबल लेकिन कलरफुल और क्वर्की आइटम्स पिक किए. सबसे पहली चीज जो मैंने पिक की वो था ये पिंक एंड व्हाइट कैलकुलेटर. मोस्ट एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, पर मेरे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से शुरू हो गया था अलाउ होना, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ. आई विश मुझे 11th में मिला होता, क्योंकि फिर मैं ये ही यूज करती. मुझे 400 रुपीज में मिला, इसके साथ वारंटी कार्ड वगैरह भी सब आया था. इसमें मैंने ग्रीन और ऑरेंज कलर भी देखा था. फिर मुझे मिली ये पॉप आर्ट नोटबुक्स में नोट्स बनाने में कितना मजा आएगा. इसमें और ब्लू कलर भी था और एक पर्पल कलर भी था, आई थिंक ग्रीन कलर भी था शायद, पर मैंने ये 3 पिक की. ये नवनीत की ही है, तो अगेन अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड. एंड पर नोटबुक मुझे आया 60 रुपीज का कॉस्ट. अभी इन कलरफुल नोटबुक्स में लिखने के लिए मुझे मिले ये कलरफुल पेन्स का एक पूरा सेट. मुझे नोट्स बनाने में बहुत मजा आता है एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जितना कलर कोडेड नोट्स होते हैं ना, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता ही है. मुझे लिक्विड बॉल पेन्स का सेट मिला, तो ये नॉर्मल बॉल पेन से ज्यादा स्मूथ है एंड कितना अफोर्डेबल. सिर्फ 5 रुपीज का एक पेन था, तो पूरा सेट सिर्फ 50 रुपीज का था. एंड दीज पेन्स आर फ्रॉम फ्लेयर, तो फ्लेयर भी काफी ट्रस्टवर्दी और पॉपुलर ब्रांड है. एंड तैयारी के लिए मैंने एक और लास्ट आइटम जो उठाया है वो है ये जेल हाइलाइटर्स. एकदम स्मूथ चलता है, ये पीछे के साइड पे नहीं आते. पर हाइलाइटर मुझे 25 रुपीज में मिला. तो टेक्स्ट बुक में जब भी हमको कुछ मार्क करना होगा तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. अभी सोचते हैं कि हम एग्जाम हॉल में पहुंच गए. मैं और मेरी मम्मी ना ऐसे तैयारी करते हैं, हम एग्जाम हॉल में बैठे हमें क्या क्या पहले चाहिए होगा. तो सबसे पहली चीज चाहिए होगी मेरी हॉल टिकट. अभी हॉल टिकट के लिए मुझे ये ट्रांसपेरेंट पाउच मिला. इसके लिए मैंने कुछ फैंसी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हॉल टिकट इज समथिंग जो एग्जामिनर को देना होता है, तो अगर उनको देखने में प्रॉब्लम हुई तो वो इरिटेट हो सकते. तो इसलिए मैंने उसके लिए सिर्फ ये सिंपल पाउच लिया. ये स्पेशली हॉल टिकट पाउच करके ही मिलता है एंड आई थिंक ये शायद सिर्फ 10 रुपीज का था. मैं हॉल टिकट अलग से नहीं रखती, मैं ना उसको मेरे एग्जाम पैड में डाल देती हूँ. आई नो कि हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉलेजेस और स्कूल्स में रूल होता है कि एग्जाम पैड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. तो हु सेड दैट वी स्टिल कांट हैव फन विद इट विद द रूल्स. विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स वी कैन स्टिल गो कलरफुल, क्योंकि ये है तो ट्रांसपेरेंट ही. अगर इस पे कुछ लिखा तो दिख ही जाएगा. के साइड पे एक स्केल भी है. इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे, लेकिन ये दोनों कलर्स मेरे फेवरेट थे, तो मैंने दोनों पिकअप कर लिए. क्योंकि ये कितना सस्ता था, सिर्फ 65 रुपीज का एक पैड था. थोड़ा बेंडेबल भी है तो जल्दी से टूटेगा भी नहीं. तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे हॉल टिकट का पाउच एग्जाम पैड में ही ऐसे रखती हूँ कि मैं भूल ही ना जाऊँ. हमेशा ये ऐसे ही रहता है, सिर्फ एग्जाम लिखते वक्त ही मेरे डेस्क में रहता है. एग्जाम खत्म होते से ही वापस इधर चले जाता है. मुझे एक फन नया प्रोडक्ट मिला और वो है ये ट्विस्टी स्केल. मैंने मेरे स्कूल टाइम पे इतने लॉन्ग स्केल्स तोड़े हैं ना अनइंटेंशनली. मेरे बैग में इतना वजन होता था, कभी बैग गिर गई तो अंदर स्केल टूट जाती थी. कि तभी अगर मैंने ये एक ले लिया होता ना, काफ़ी रिसोर्सेस और पैसे बच जाते. ये मेपेट से है, पूरी तरह से बेंडेबल है, तो टूटने का सवाल ही नहीं. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्टर्डी, कि जब लाइन ड्रॉ करता है ना तभी इधर उधर हिलता नहीं है. ये स्केल थोड़ा एक्सपेंसिव था, 59 रुपीज़ का था, लेकिन आई थिंक कि बिकॉज ये टूटेगा नहीं और जल्दी से इस पर दाग वगैरह नहीं लगेंगे, दिस इज इक्वल टू बाइंग 2-3 नॉर्मल स्केल्स. तो या आई डोंट थिंक दिस इज आउट ऑफ द बजट एक्सपेंसिव. अब आते हैं हमारे स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल में मुझे सेम कैटेगरी मेपेट का ही है, ये पिंक कलर वाला लिया ताकि आई हैव अ वेरिएशन इन द टू कलर्स. और ये वाला था 40 रुपीज का. लेट्स अज्यूम कि आंसर शीट हमारे हाथ में आ गई है, तो सबसे पहले चीज क्या करेंगे, हमारे डिटेल्स फिल करेंगे एंड वो करते हैं एक पेन से. तो पेन के लिए मैंने 2-3 डिफरेंट टाइप के कलरफुल पेन्स उठाए. अंदर से इंक ब्लू ही है, बिकॉज एग्जाम में कहाँ अलाउड होता है कलरफुल पेन्स. But that does not mean our stationery can't be colorful. तो पहला पेन जो मुझे मिला था वो था फ्लेयर का पॉप जेल, जो पिंक एंड व्हाइट पोलका डॉटेड है. सिर्फ 10 रुपीज का है, काफी स्मूथ है, लोकली अवेलेबल है. और फिर मुझे एजेल का ये पेन मिला, इतना स्मूथ है और इतना यूनिक साइज है. मतलब अगर आपको पेन हैवी नहीं पसंद और इतने बड़े साइज का नहीं पसंद, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का है. एंड ये भी सिर्फ 10 रुपीज का था. इसमें पर्पल कलर था और येलो कलर था बाहर से, अंदर से तो ब्लू ही है. एंड लास्टली फॉर आर एग्जाम पेन कैटेगरी, मुझे लिंक का ये पूरा पेन का सेट मिला. पेस्टल है, लाइट है, फन है. एक पेन 7 रुपए का मिलता है. पेंसिल्स
लोकल स्टेशनरी स्टोर से खरीद के मुझे इतना टाइम हो गया था कि आई फॉरगॉट कि लूज में भी पेंसिल्स मिलते हैं. बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेंसिल्स उठाए. टू बिगिन विद मैंने दो नियॉन पेंसिल्स उठाए जो नटराज के, अंदर से दे आर द नॉर्मल ग्रेफाइट ग्रे ब्लैक कलर. फिर मुझे डॉम्स के ये पेस्टल कलर के पेंसिल्स मिले. फिर मुझे मिली अप्सरा की ये मैट मैजिक पेंसिल जो एक्स्ट्रा डार्क है. सो दैट इज अगेन योर प्रेफरेंस. मैं यूजुअली ज्यादा डार्क पेंसिल्स यूज नहीं करती एग्जाम में क्योंकि कभी कभी मुझे इरेज करना पड़ता है. सेकेंड लास्ट मुझे डॉम्स का फ्यूजन पेंसिल मिला, मतलब एक साइड से चमकीले रेड स्टार्स, एक साइड पे ग्रीन और एक साइड पे ब्लू. एंड मुझे नहीं पता था कि पेंसिल्स में भी ऐसा फुलझड़ी टाइप डिजाइन मिलता है. बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे, बहुत डिफरेंट लगा. एंड लास्टली मुझे ये प्रीमियम पेंसिल मिला. आई मीन मेरे जो स्टोर वाले अंकल थे उन्होंने तो बोला है प्रीमियम कैटेगरी का, इसलिए बाकी सब आई थिंक 5 rupees पर पेंसिल थे. ये वाला 15 rupees का था, पूरा ब्लैक है, लाइक अंदर से भी ब्लैक है और इसका इरेजर भी ब्लैक है. आई मीन बिजनेस वाला वाइब देता है. अभी एज वी वर डिस्कसिंग की पेंसिल होगी तो कभी ना कभी शायद इरेज करना पड़ सकता है, उसके लिए मुझे मिले ये डॉम्स के इरेजर्स. ये प्लास्टिक की डिब्बी में आता है यार, एंड एक इरेजर सिर्फ 5 rupees का है, मतलब डब्बी के साथ. अभी पेंसिल होगा तो शार्पन भी करना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैंने दो बहुत ही फन और फंक्शनल शार्पनर्स उठाए. सबसे पहला है ये मेपर का पर्पल एंड पिंक शार्पनर. इसमें एक एडवांटेज क्या होगा पता है, एग्जाम के वक्त जब हम नॉर्मल शार्पनर यूज करते हैं, शार्पन करने के बाद घुसा होता है ना, या तो कभी वो अपने हाथ पे लगता है और फिर आंसर शीट पे उसके इम्प्रिंट्स आ जाते हैं, या तो कचरा इधर उधर उठता है, विच इज़ नॉट द बेस्ट वे टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. तो इसमें कचरा डायरेक्टली इसमें जा रही है. सिर्फ 15 rupees का था, बट इफ़ यू वॉन्ट अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन तो अप्सरा ने भी वैसे ही कैटेगरी का एक शार्पनर निकाला है जिसमें डस्ट विल रिमेन इनसाइड ओनली. अप्सरा का ये वाला शार्पनर 5 rupees का है. ये सब चीज रखने के लिए हमें पाउच की जरूरत तो पड़ेगी. तो पाउचेस आई पिक्ड अप आर दीस टू क्योंकि दे मैच द राइटिंग पैड्स. ये नियॉन येलो इसके लिए और नियॉन पिंक इसके लिए. जानती हूँ कि पाउच भी ट्रांसपेरेंट होने की डिमांड मोस्ट कॉलेजेस और स्कूल रखते हैं, एंड दे आर फेयर. वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि तुम्हारे पाउच में कोई चिट्स नहीं है, कोई अनअलाउड आइटम्स नहीं है. तो इसमें से क्लियरली दिखेगा कि अंदर क्या क्या है, बट येस दिस इज कलरफुल. एंड द लास्ट आइटम फॉर दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेशनरी हॉल इज समथिंग जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट आई कुड नॉट कंट्रोल आफ्टर सीइंग इट. ये क्राफ्ट सिजर्स का सेट, इसमें 4 अलग पैटर्न के ब्लेड्स आते हैं एक मेन सिजर के साथ, सो यू कैन कीप चेंजिंग द ब्लेड्स टू गेट डिफरेंट कट्स. तो ये था मेरा फन एग्जाम स्टेशनरी हॉल. सोचो अगर तुम्हारे सामने ये एरे ऑफ स्टेशनरी है तो तुमको पढ़ाई करने का ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, एग्जाम लिखते वक्त भी ज्यादा मजा आएगा इंस्टेड ऑफ हैविंग द बोरिंग रेगुलर स्टेशनरी. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या मजा आया देखने में तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.